हाय गाइस, वेलकम टू एक्सटीएमएल सीरीज। इस सीरीज में ये वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक्सटीएमएल में लिंक टैग क्या होता है। ये मैंने अभी तक पहले कभी आपको कौन से भी वीडियो में दिखाया नहीं। ये वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे किस तरह से होता है लिंक टैग। एक्सटीएमएल लिंक आर डिफाइंड विद द ए टैग। एक्सटीएमएल में लिंक टैग को हम ए टैग में डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए एचआरएफ। एचआरएफ मीन्स वॉट? एचआरएफ मीन्स जो लिंक को होता है, जो लिंक देनी होती है अपने को, उसको एचआरएफ टैग, एचआरएफ। फिर उसके बाद में जो लिखते हैं उसमें https/, यहाँ पे डब्ल्यू, मैंने यहाँ पे लिखा है कि w3school.com। ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हो कि google.com एंड अदर कुछ भी, जिसको आपको रिडायरेक्ट करना है उस तरह से। दिस इज लिंक्ड टैग, ऐसे कहते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, मतलब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, ये मेरा विजुअल स्टूडियो ओपन हो गया है। मैंने आपको बताया भी था विजुअल स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्या क्या करते हैं, ये सब आपको। ओके, या भी मैं यहाँ पे सब पीछे वाले सब कट करके आपको दिखा रहा हूँ कि, और यहाँ पे लिखता हूँ कि HTML लिखता हूँ, मतलब आपको समझ में आएगा कि सर्वर पे ओपन। सेव किया, ओपन में सर्वर, देखो HTML लिख के आ रहा है। ओके, यहाँ पे मैं डेमो के लिए हाय लिखता हूँ, मतलब आपको समझ में आएगा कि हाय। सेव किया, ओके, सेव किया, हाय आया लिख के, मतलब ये चल रहा है, सेव हो रहा है। तो अभी जैसे हमने देखा कि ए टैग क्या होता है, ए तो शॉर्टकट क्या है, ए एंटर करने के बाद एंटर किया तो ऐसे HREF ऐसे ओपन रहता है। अभी मैंने यहाँ पे सेव किया, बट ये दिखेगा नहीं कुछ भी, बिकॉज इसमें कुछ भी नहीं है। तो फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि गूगल लिखता हूँ। ओके, फिर मैंने यहाँ पे सेव किया बराबर, बट यहाँ पे कुछ करने के बाद कुछ हो रहा है, बिकॉज मैंने यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं। तो मैं लिखता हूँ HTTPS, गूगल पूरा लिखना पड़ता है, www.google.com, ये मैंने लिखा और सेव किया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये कहाँ पे आ गया, google.com पे। ओके, इस तरह से। अब आपको कुछ और लिखना पड़ेगा, जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा कि यूट्यूब, एंटर किया, फिर यहाँ पे यूट्यूब पे आया। जो लिंक होती है ना आपकी, जो आती है, ये नहीं, जो स्टार्ट में HTTPS, उसके बाद में जो उसका नाम होता है वो कॉपी करने की, देन फिर सेम टैग नीचे भी लिखना, जैसे कि HFF/, या फिर इसके बीच में लिखा कि ये, फिर ये टैग बंद करना पड़ता है। फिर उसके बाद में मैंने लिखा कि यूट्यूब, गो टू यूट्यूब, मैं ऐप कैसे लिखता हूँ, गो टू यूट्यूब पर मैं सेव करता हूँ। तो मैं यहाँ पे आके इस दोनों में पहली वाली लिंक कट कर देता हूँ, मतलब आपको कंफ्यूज ना होगा। ये मैंने की, सेव किया, फिर इधर आ गया, फिर मैं इधर क्लिक करने के बाद यूट्यूब को रिडायरेक्ट हुआ। इस तरह से ए टाइप का यूज होता है HTML में। थैंक्स गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।